तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने खुद के फेस जैसे स्टिकर जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना अवतार जो है वो दोस्तों कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक पर अपना एक इस तरीके का अवतार जो है, अपने स्टिकर जो है दोस्तों क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब जैसा आपका फेस है, जिस तरीके से आप दिखते हैं, उस तरीके से ही आपको सभी चीज़ें जो है पसंद करनी है। तो एंड में आपका इस तरीके का दोस्तों एक अवतार जो है वो क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अगर मैं स्टिकर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है स्टिकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से आपने अपना अवतार क्रिएट किया होगा। तो इन स्टिकर को दोस्तों आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक पर किसी से चैट कर रहे हैं मैसेंजर में, तो वहाँ पर भी आप इस स्टिकर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस स्टिकर को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से दोस्तों आपको अपने फेस का इस तरीके का दोस्तों अवतार क्रिएट करना है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए एक सी मोर का इस तरीके का ऑप्शन होगा, तो उस पर आप जैसे यहाँ पर आप सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको अवतार का मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको फेसबुक अपडेट कर लेना है, और यहाँ से अगर नहीं आपको दिखता तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखिए फोटोज़ के बगल में यहाँ पर आपको अवतार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है। तो अभी मैंने ऑलरेडी इस अवतार को यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से दोस्तों अवतार पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना स्किन टोन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप जिस तरीके से दिखते हैं, आपका जिस तरीके का फेस है, उस तरीके का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों हेयर स्टाइल का, तो यहाँ पर शॉर्ट है, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद लॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे भी आपके हेयर दोस्तों उस तरीके से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगले ऑप्शन को। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर है कलर्स का, हेयर कलर्स का, मतलब किस तरीके का कलर है आपके हेयर का, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो ये है दोस्तों फेस शेप का, यहाँ पर मतलब आपके फेस का शेप जो है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर आप अपने मन पसंद जो भी आपके फेस का शेप है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो है दोस्तों कंप्लेशन। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके मुँह पर कोई भी इस तरीके का है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट जो है कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर है लाइंस का ऑप्शन, मतलब आपकी आंखों के नीचे जो लाइंस होती है दोस्तों, उस लाइन यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके आंखों के नीचे है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों दूसरे वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो वो है दोस्तों आई शेप का, मतलब आपकी आंखों का जो शेप है वो किस तरीके का है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जो भी पसंद आपको आता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है दोस्तों कलर्स का, मतलब आंखों का कलर्स का। तो यहाँ पर अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है दोस्तों मेकअप का, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगले ऑप्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, तो आईब्रोज़ का ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आईब्रोज़ आप अपने किस तरीके के हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कलर्स का, आईब्रो कलर का दोस्तों, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों बिंदी का, तो अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर अलग से मिल रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप पहला वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आई वियर्स का, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाले सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखते हैं, तो अगला ऑप्शन है दोस्तों कलर का, आई वियर्स के कलर का, चश्मे का कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक ही दोस्तों रहने देते हैं। अगला है दोस्तों नोज़ का, मतलब आपके नाक का दोस्तों, किस तरीके का आपका नाक है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पहले वाले पर ही क्लिक रहने देता हूँ।
उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों नोज रिंग का, तो यहाँ पर नाक की रिंग का दोस्तों आई थिंक ऑप्शन है, जी हाँ, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है दोस्तों माउथ का, तो यहाँ पर आप जो भी जिस तरीके से आपके शेप है माउथ का उस तरीके का आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर है कलर, तो यहाँ पर आप कलर भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों फेशियल हेयर का, मतलब मूछ दाढ़ी वगैरह, यहाँ पर आप जिस टाइप की आपकी है उस टाइप की दोस्तों आप दाढ़ी जो है वो या फिर मूछे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने कलर का, लेकिन यहाँ पर अभी नो फेशियल हेयर कलर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बॉडी शेप दोस्तों आपका किस तरीके का है, मतलब दुबले पतले है या फिर थोड़े से मोटे है, जिस टाइप का भी आपका बॉडी शेप वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर वाला यहाँ पर सिलेक्ट करा है। तो उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है आउटफिट, तो यहाँ पर आपको कुछ आउटफिट दोस्तों मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे हैं दोस्तों आउटफिट्स। तो चलिए यहाँ पर हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है दोस्तों हेड वियर का, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं हेड वियर को भी, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर कलर का, लेकिन कलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद है दोस्तों ये ईयर रिंग्स का ऑप्शन, तो फीमेल है तो यहाँ पर ईयर रिंग्स आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इस पहले वाले पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारे ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर डन के बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है, तो दिस इज़ योर अवतार ऐसा लिख कर यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपका जो अवतार है जो आपने जिस तरीके से सब कुछ सिलेक्ट किया है उसी तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद डन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन जिस तरीके से आपने सिलेक्ट किए होंगे वो सभी दोस्तों आपको इस अवतार में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका सेम टू सेम जैसा फेस है उस तरीके का तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वैसा ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप किसी के साथ फेसबुक पर चैट कर रहे हैं मैसेंजर में, तो उसे दोस्तों इस तरीके के जो है काफ़ी सारे आपके स्टिकर्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके अवतार के, वो आपको आपके कीबोर्ड में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इसे दोस्तों यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और ये कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए मान लीजिए इस वाले को शेयर करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और अगर मैसेंजर में सेंड करना है तो पहले वाले ऑप्शन पर, और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना है तो मोर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप कोई भी जो प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म पर आप इस स्टिकर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टिकर्स है दोस्तों, और फ्यूचर में काफ़ी सारे यहाँ पर ऐड भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से गाइज आपको अपने खुद का फेस का जो है स्टिकर या फिर दोस्तों अवतार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं कि आपने अपना इस तरीके का एक अवतार क्रिएट किया है, अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों पोस्ट करके शेयर भी कर सकते हैं, और इसे अपने प्रोफाइल पिक्चर पर भी दोस्तों यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।